इन दोनों सागर पुलिस अधीक्षक तरुण नायक के निर्देश पर पूरे जिले में अवैध शराब जुआ सट्टा गांजा तस्करों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जयसिंहनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि पुलिस ने अवैध शराब सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जयसिंहनगर थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार तड़के सुबह जयसिंहनगर थाने में पदस्थ ASI अभिषेक पटेल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति भोपाल की ओर से मोटरसाइकिल पर अवैध शराब लेकर जयसिंहनगर की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही ASI अभिषेक पटेल प्रधान आरक्षक खूब सिंह और आरक्षक नीरज के साथ सेमा ढाना और बदौवा गांव के बीच पुलिया के पास पहुंचकर चेकिंग लगाई गई। इसी बीच सफेद रंग की TVS अपाचे मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आ रहे थे, जो पुलिस को देखकर अपनी मोटरसाइकिल मोड़कर वापस जाने लगे। पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए मोटरसाइकिल को रोका और थैलों को चेक किया तो 350 पाव लाल देसी मसाला के जब्त किए, जिनकी कीमत 35,000। साथ ही मोटरसाइकिल को जब्त किया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना नाम शुभम पिता लल्लू यादव उम्र 22 साल निवासी गयागंज थाना कैंट और शिवा पिता राधेश्याम सिंह उम्र 23 साल निवासी गयागंज थाना कैंट होना बताया। पुलिस ने आरोपियों को जयसिंहनगर थाना लाकर अवैध शराब के संबंध में पूछताछ की और दोनों आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। जयसिंहनगर से संतोष नामदेव की रिपोर्ट।